हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम्बिशन विद द कोचिंग स्टूडेंट। फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, आज हम लोग वैदिक मैथ्स की सीरीज पढ़ने वाले। इसके पहले वीडियो में हमने टाइप 1, टाइप 2, 3 हो गया था हमारा। हमारा जो टॉपिक था और जो टॉपिक जो चल रहा है वो था एल्जिब्रा बाय वैदिक मैथ्स। अभी तक आप लोगों ने जो एल्जिब्रा पढ़ा है वो ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ा है, पर अभी हम लोग जो एल्जिब्रा पढ़ रहे हैं टू सेकेंड, थ्री सेकेंड, ज्यादा से ज्यादा 5 सेकेंड में आंसर निकालने का वो मेथड्स है ना, लीनियर इक्वेशन टाइप 4 है ना। हमारा जो टाइप चल रहा है एल्जिब्रा बाय वैदिक मैथ्स लीनियर इक्वेशन टाइप 4। लीनियर इक्वेशंस मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जिसकी डिग्री 1 दैट इज कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन, डिग्री 1 है और लीनियर है स्ट्रेट लाइन पे LHS और RHS के फॉर्म में, और जिसकी डिग्री 1 रहेगी दैट इक्वेशन इज कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन। अब देखिए ये जो टाइप 4 है इसमें करना क्या है, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड द सम ऑफ डिनोमिनेटर आर सेम। देखिए ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया, ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया, ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर। मैं आपको इसके पहले आंसर बता देता हूं। 4y इक्वल्स टू 16 है ना, इसका आंसर आ जाएगा -4। देखिए कितने देर में लाया मैंने आंसर्स, कैलकुलेशन भी नहीं किया। अब देखिए 6 2 और 8 8 8 और 48, इसका आंसर रहेगा 6 -6, इसका आंसर भी मैंने ला दिया। कितने देर में लाया मैंने, कितने देर में लाया आप बताइए। अरे बहुत ही कम समय में आंसर्स आता है स्टूडेंट्स। अब हमको कैसे करना मैं आपको ट्रिक बताता हूं। ऐसे क्वेश्चन में ये जो न्यूमरेटर है इन दोनों का सम और डिनोमिनेटर का सम सेम रहेंगे। द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड द सम ऑफ डिनोमिनेटर आर सेम। देखिए ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, 2y और 2y 4y, 9 और 7 16। डिनोमिनेटर को देख लेते, 2y और 2y 4y, 9 प्लस 7 16 है ना। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम सेम रहेगा, यस है ना। न्यूमरेटर 1, न्यूमरेटर 1 ले लेते हैं, न्यूमरेटर 2 इक्वल्स टू डिनोमिनेटर 1 प्लस डिनोमिनेटर 2, न्यूमरेटर 1 न्यूमरेटर 2, डिनोमिनेटर 1 डिनोमिनेटर 2, तो इन दोनों का सम इज गोइंग टू बी सेम। तो अगर दोनों का सम सेम है तो इक्वल्स टू 0 कर लेंगे, विल गेट द आंसर। नाउ सी हाउ, 2y प्लस 7 प्लस 2y प्लस 9 इक्वल्स टू 0, 2y टू 4y, 9 प्लस 7 इज 16, सो y इक्वल्स टू -4 आ गया। 16 को 4 से डिवाइड कर लिया, कितने देर लगे, अरे कितने देर लगे, हार्डली 3 to 5 सेकेंड। मैंने आपको बताया इसलिए टाइम लग रहा है। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन में जाते हैं, समझ गए स्टूडेंट से बहुत इजी ट्रिक्स है। क्या करना, न्यूमरेटर को ऐड करना है और डिनोमिनेटर को ऐड करना है, दोनों का सम अगर इक्वल आएगा तो इक्वल टू 0 करना। यह है टाइप 4 का। टाइप सेकंड में देखिए, टाइप सेकंड में देखते हैं, 6 प्लस 2 8 35 प्लस 13 48, 6 प्लस 2 y 8 35 प्लस 13 48, ये भी सेम आ रहा है। मैं आपको बताता हूं, 3 प्लस 4 y 17 प्लस 7 24। आप बोलोगे सर सेम का आ रहा है, सेम आ रहा है, मैं आपको बताता हूं देखिए कैसा। ऐड कर लेते हैं पहले न्यूमरेटर, न्यूमरेटर 1 प्लस न्यूमरेटर 2, 6 y प्लस 35 प्लस 2 y प्लस 13, 6 और 2 8 y प्लस 48, इसमें 8 को कॉमन निकालते हैं, y प्लस 6। ये देखिए हमारा जो एक्सप्रेशन है ना वो कॉमन आना चाहिए, एक्सप्रेशन यहाँ पे देखिए एक्सप्रेशन कॉमन आया था, कितना 4 y प्लस 16, यानी न्यूमरेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी 16 आया था, 2 और 2 4 y और 9 प्लस 7 16। ये देखिए ये डिनोमिनेटर था, दिस इज डिनोमिनेटर 1 प्लस डिनोमिनेटर 2। सेम स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, 6 प्लस 2 8 y, 8 को कॉमन लिखा, y प्लस 6। अब डिनोमिनेटर लेते हैं d1 प्लस d2, 3 y प्लस 17 प्लस y प्लस 7, 3 y प्लस y 4 y, यस 17 प्लस 7 इज 24, यस 4 को कॉमन लेते हैं y प्लस 6। अब देखिए y प्लस 6 एंड y प्लस 6 जो एक्सप्रेशन है वो सेम है, सेम है, y प्लस 6 y प्लस 6 एक्सप्रेशन इज सेम। तो क्या रहेगा आंसर, y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, सो y इक्वल्स टू -6। देखिए कितने देर लगे, अरे स्टूडेंट्स मैंने क्या किया आपको बताता हूं, 6y और 2y, 6y और 2y कितना रहेगा, 8y,
सिक्स वाई और टू वाई कितना रहेगा, एट वाई, थर्टी फाइव प्लस थर्टीन कितना रहेगा, फोर्टी एट, एट को फोर्टी एट डिवाइड बाई एट कितना रहेगा, माइनस सिक्स, एट सिक्स फोर्टी एट आ गया आंसर। पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया, पर यहां पे कंडीशन सप्लाई होगा, ध्यान से देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो टू टू जा फोर, फोर वाई स्क्वायर, टू टू जा फोर, फोर वाई स्क्वायर, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में अगर हमारा वेरिएबल्स का पावर सेम है तो लीनियर इक्वेशन है, पर अगर ये सेम नहीं रहेगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर से एक बार ध्यान से सुनिए, सिक्स वाई इंटू वाई, सिक्स वाई स्क्वायर, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स वाई स्क्वायर, अने ये जो y और y का जो वेरिएबल्स है 6y into y, वो वेरिएबल्स की डिग्री सेम है, दैट मीन्स, और वो दोनों भी कॉन्स्टेंट के साथ आ रहा, सिक्स वाई स्क्वायर आ रहा, ये भी सिक्स वाई स्क्वायर आ रहा, पर अगर ये सिक्स वाई स्क्वायर आता था और ये फाइव स्क्वायर आता था तो हम इसके दो वैल्यूज निकालते थे। वो ट्रिक्स बताने वाला हूं, आप अभी इसको पूरा वॉच कीजिए, क्योंकि अभी वो जो ट्रिक्स आने वाला है पूरे वीडियोज में वो ट्रिक्स है, तो आप पूरा चैनल को देखिए और जाइए मत, क्योंकि इससे अभी जो थर्ड और फोर्थ लेंगे ना वो इससे भी ज्यादा शॉर्टकट है। स्टूडेंट्स अब देखिए, अभी हमने दो क्वेश्चन किए, अभी थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, फोर प्लस टू सिक्स, और माइनस नाइन और माइनस थ्री माइनस ट्वेल्व, तो क्या रहेगा, सिक्स एक्स माइनस ट्वेल्व, सिक्स एक्स माइनस ट्वेल्व, तो आंसर एक्स के लिए क्या रहेगी, टू। अब डिनोमिनेटर को देख लेते हैं, फोर प्लस टू सिक्स, सेवन प्लस फाइव माइनस ट्वेल्व, तो इसका आंसर कितना रहेगा, कितना रहेगा, कितना रहेगा, टू। देखिए डायरेक्ट कितने सेकेंड, वन सेकेंड, विद इन वन या टू सेकेंड आई एम गेटिंग द आंसर्स, सही समझ गए, अरे समझे कि नहीं, समझ गए। देखिए क्या किया मैंने, या तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों का सम टोटल आ रहा है इक्वल्स टू जीरो कर दीजिएगा, यू विल गेट द आंसर, वेरी सिंपल ट्रिक्स। फोर एक्स माइनस नाइन प्लस टू एक्स माइनस थ्री, फोर प्लस टू सिक्स एक्स माइनस नाइन माइनस थ्री माइनस ट्वेल्व इक्वल्स टू जीरो, सिक्स एक्स इक्वल्स टू ट्वेल्व, एक्स इक्वल्स टू टू, आगे आंसर। अगर आप डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर करेंगे तो भी टू ही आएगा, करके देख लीजिएगा, टू ही आने वाला है। अब ये फोर्थ क्वेश्चन, अब देखिए यहां पे फोर्थ में कंडीशन अप्लाई हो रहा है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में हमें अगर डिग्री वन है तो सोल्यूशन कितना रहेगा, वन, एक्स की वैल्यू एक ही रहेगी, इसलिए यहां पे तीनों क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू एक ही आ रही है। उसका ट्रिक क्या था फ्रेंड्स, कि फोर टू जा एट, एट एक्स स्क्वायर, और फोर टू जा एट, एट एक्स स्क्वायर, दोनों एट एक्स स्क्वायर आ रहे थे, पर अगर कोई एट आएगा और सेवन आएगा, कोई एट आएगा सिक्स आएगा ना, मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाएगा। ये वाला क्वेश्चन फोर्थ जो है वो देखते हैं कि ये लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है। देखिए टू टू जा फोर, फोर वाई स्क्वायर, और वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर, तो फोर वाई स्क्वायर एक आ रहा और एक वाई स्क्वायर आ रहा है, कि दोनों जो कोफिशियंट वेरिएबल्स है वो सेम नहीं है, मतलब कि ये यहां पे वाई की दो वैल्यूज आएंगे, यहां पे वाई की दो वैल्यूज आएंगी, दो वैल्यूज आएंगी। देखिए कैसा, क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में, क्या करने वाले, देखिए टाइप में की है, टू प्लस वन थ्री, टू प्लस वन थ्री, और नाइन में नाइन प्लस थ्री ट्वेल्व, यानी थ्री वाई माइनस ट्वेल्व ही है, टू वाई और थ्री वाई ट्वेल्व वाई, और सिक्सटीन में से फोर गया तो माइनस ट्वेल्व, सम तो ही किया आ रहा है, टाइप फोर ही है, पर यहां y की दो वैल्यूज आएंगी, क्यों आएंगी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन था, ये क्वाड्रेटिक, कैसा मुझे पता चला कि क्वाड्रेटिक है, ये नया ट्रिक्स है, आपको समझना पड़ेगा। टू टू जा फोर, फोर वाई स्क्वायर, और वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर, ये दोनों सेम नहीं, ये फोर वाई स्क्वायर आ रहा है, वाई स्क्वायर आ रहा है, फिर से एक बार, टू टू जा फोर, फोर वाई स्क्वायर आ रहा है, बट वाई इंटू वाई इज वाई स्क्वायर, दे आर नॉट इक्वल, इसलिए क्या रहेगा, एक क्वाड्रेटिक रहेगा। और यहां पे फोर टू जा एट, एट एक्स स्क्वायर, एट एक्स स्क्वायर आ रहा था, और फोर टू जा एट, एट एक्स स्क्वायर आ रहा था, यानी दोनों कॉन्स वेरिएबल सेम है, मतलब कि ये लीनियर इक्वेशन और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक बोले तो जिसकी डिग्री टू, तो कितने सोल्यूशन, दो सोल्यूशन, तो उसके वाई की दो वैल्यूज आएंगी, वाई की कितनी वैल्यूज आएंगी, दो वैल्यूज आएंगी। देखिए मेथड वही है सेम, इसमें सिर्फ रूल चेंज करूंगा, इसमें हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर प्लस न्यूमरेटर टू इक्वल्स टू डिनोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर टू, ये करना है। न्यूमरेटर क्या है हमारे पास, टू वाई माइनस थ्री, डिनोमिनेटर टू क्या है, वाई माइनस नाइन, यस,
अब देखिए 2y और y 3y 9 प्लस माइनस 3 माइनस 12 इक्वल्स टू 0, सो y इक्वल्स टू व्हाट माइनस 4। अगर आप डिनोमिनेटर करके देखते तो भी सेम आएगा, यही करके देख लेते y प्लस 4 प्लस 2y माइनस 16 इक्वल्स टू 0, 2y एंड y इज 3y, 16 में से 4 गया माइनस 12, सो 3y इक्वल्स टू हाउ मच कितना आ रहा है। फिर से एक बार देखते हैं, 2y और y 3y माइनस है माइनस 12 y इक्वल्स टू सॉरी प्लस 4 आएगा। अब यहां पे भी क्या जाएगा 12, तो y इक्वल्स टू क्या रहेगा 4, समझ गए। यहां पे माइनस की गलती थी, मैंने करेक्शन कर दिया, यस और नो, यस। अब देखिए, अब ये हमको एक वैल्यू y की आएगी 4 तो रहेगी, पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक और वैल्यू y की आएगी, कौन सी देखिए। उसके लिए क्या करेंगे, न्यूमरेटर 1 माइनस डिनोमिनेटर 1, न्यूमरेटर 2 माइनस डिनोमिनेटर 2 कर दीजिए। न्यूमरेटर 1 क्या है आपका, न्यूमरेटर 1 क्या है 2y माइनस 3, डिनोमिनेटर 1 क्या है y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, 2y में से y गया तो y माइनस 3 माइनस 4 माइनस 12 इक्वल्स टू 0, सो y इक्वल्स टू क्या रहेगा माइनस 12 आया, यस और नो, यस। फिर से एक बार स्टूडेंट, फिर से एक बार मैं आपको बताता हूं, हमने क्या किया, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर 1, ये न्यूमरेटर 1 है ये डिनोमिनेटर 1 है, तो क्या रहेगा y 2y माइनस 3 माइनस y प्लस 4, सो 2y माइनस y ये जाएगा माइनस 3 और माइनस 4 माइनस 7 आ जाएगा, माइनस 7, यस माइनस 3 और माइनस 2 माइनस 7, सो y इक्वल्स टू क्या प्लस 7 आ गया। हाँ फ्रेंड्स देखिए, अब यहां पे क्या था 2y माइनस 3 माइनस y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, न्यूमरेटर 1 माइनस डिनोमिनेटर 1 इक्वल्स टू न्यूमरेटर 2 माइनस डिनोमिनेटर 2, अरे गोइंग टू गेट द, क्योंकि क्वाड्रेटिक बने, सो क्या रहेगा 2y और माइनस y इज y, माइनस 3 एंड माइनस 4 माइनस 7 इक्वल्स टू 0, सो y इक्वल्स टू 7 आ गया, y की वैल्यू आ गई। अब हम डिनोमिनेटर लेके चेक करते हैं, न्यूमरेटर 2 माइनस डिनोमिनेटर 2, अने y माइनस 9 माइनस 2y माइनस 16, 2y में से y गया तो माइनस y, माइनस माइनस प्लस, प्लस 16 में से 9 गया तो प्लस 7 इक्वल्स टू 0, सो माइनस y इक्वल्स टू माइनस 7, तो y इक्वल टू 7, ये देखिए 7 7, अने आप न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करेंगे या न्यूमरेटर 2 माइनस डिनोमिनेटर 2 करेंगे तो भी वही आएगा, या न्यूमरेटर 1 प्लस न्यूमरेटर 2 करेंगे तो भी वही वैल्यू आएगी, या डिनोमिनेटर 1 प्लस डिनोमिनेटर 2 करेंगे तो भी एक ही वैल्यू आएगी, ठीक है। मतलब कि अगर क्वाड्रेटिक है तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा y इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल टू 7, मतलब कि 4 और 7 इसके आंसर्स रहेंगे, इसके सॉल्यूशंस रहेंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स आपको ये डिफरेंस समझ में आ गए होंगे वैदिक मैथ से कि लीनियर और क्वाड्रेटिक की वैल्यूज कैसे निकालना, क्योंकि ये बहुत शॉर्टकट ट्रिक था, आपको कोई नहीं बताएगा ये वाला ट्रिक जो मैंने आपको बताया, सबसे यूनिक ट्रिक है। सो अगर आपको ये मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन पे जाके बेल की घंटी बजाइए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।